नमस्कार मित्रों, पिछले लेक्चर में हम लोग वैदिक साहित्य पर चर्चा समाप्त कर चुके हैं और उसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे आज सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य समय छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व तक सूत्र साहित्य छठी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व तक। तो आप देखेंगे कि वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अति विशाल हो चुका था। चार वेद, 18 ब्राह्मण, 108 उपनिषद, 8 आरण्यक, ये सबकी रचना हो चुकी थी। और इसमें से जो वेद हैं उनकी भी, वेद हैं माने वैदिक संहिताएं, उनकी भी बहुत सी शाखाएं हैं। और इन सब को कंठस्थ करना मुश्किल काम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में वैदिक साहित्य को अछूनी बनाए रखने के लिए आवश्यकता महसूस हुई उसे साल्ट करने की। तो वैदिक साहित्य के वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अति विस्तृत हो चुका था, जिसे कंठस्थ करना मुश्किल हो रहा था और आवश्यकता महसूस हुई वैदिक साहित्य को साठ मतलब संक्षेप करने की। और वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने की आवश्यकता हेतु ही सूत्र साहित्य की रचना। और यह सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। सूत्र साहित्य जो है ये वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। फिर भी जो है उसे समझने में सहायक है। और सूत्र साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वैदिक साहित्य का विभाजन अंगों में किया गया, जिसे वेदांग कहा जाता है। और देखेंगे अब हम लोग वेदांग। तो अभी हमने बताया कि जो वैदिक साहित्य है, को सर्वप्रथम वेदांगों में विभाजित किया गया, उसे साठ में समझने के लिए उसे वेदांगों में विभाजित किया गया। और ये वेदांग संख्या में 6 और सभी 6 वेदांगों का पहली बार उल्लेख मुंडक उपनिषद, या मुंडकोपनिषद में हुआ है। और ये 6 वेदांग आपके हैं, पहली बार इनका उल्लेख मुंडक उपनिषद में हुआ है। ये हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, शिक्षा छंद व्याकरण, ज्योतिष,
विकल्प निरुक्त शिक्षा छंद व्याकरण ज्योतिष कल्प निरुक्त ये छह वेदांग हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैदिक साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले किसकी रचना हुई? वेदांगों की। वेदांग कितने हैं? छह हैं। पहली बार छह वेदांगों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? मुंडकोपनिषद में। और बाकी जानते हैं कौन वेदांग है कौन नहीं है, तो ये छह वेदांग है, इसके बाहर जो भी है वो वेदांग नहीं। और अब इसमें सबसे पहले या कि एक एक वेदांग पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं नंबर एक शिक्षा। शिक्षा शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र अर्थात स्वर विज्ञान है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र अर्थात स्वर विज्ञान है। और ये शिक्षा वो विज्ञान या वो शास्त्र है जिसके अंतर्गत वैदिक शब्दों वाक्यों का अर्थ प्रतिपादित किया गया। वैदिक शब्दों वाक्यों का अर्थ प्रतिपादित किया गया है और वैदिक वाक्यों के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हेतु ही वाक्यों के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हेतु ही उच्चारण हेतु ही इनका निर्माण किया गया। और इससे संबंधित में शिक्षा संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो प्रतिसाक्ष्य कहलाते हैं। प्रतिसाक्ष्य कहलाते हैं। तो शिक्षा में इतना ही जानना है शुद्ध उच्चारण शास्त्र या स्वर विज्ञान है और इसके प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिसाक्ष्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वैदिक शब्दों व वैदिक वाक्यों का सही अर्थ प्रतिपादित किया गया और वैदिक वाक्यों के शुद्ध वैदिक वाक्यों वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इनका निर्माण या इनकी रचना की गई। और अब आगे हम लोग देख लेते हैं छंद। शिक्षा के बाद आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं छंद पर। नंबर दो छंद। छंद जो है इसमें वैदिक छंदों का विधान किया गया वैदिक छंदों का विधान किया गया है। आचार्य पिंगल का छंद सूत्र आचार्य पिंगल रचित छंद सूत्र जो है ये छंद पर उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे जानेंगे समस्त वैदिक छंदों की संख्या 26 मानी गई और इनमें से त्रिष्टु गायत्री जगति त्रिष्टु गायत्री जगति त्रिष्टु गायत्री जगति जो है इनकी प्रचुरता और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा त्रिष्टु का फिर गायत्री का फिर जगती का उल्लेख हुआ। सबसे ज्यादा संख्या में त्रिष्टु फिर गायत्री फिर जगती का
प्रयोग हुआ है। तो छंद ने जानना किसमें वैदिक छंदों का निरूपण किया गया है। आचार्य पिंगल का छंद सूत्र या कहिए छंद शास्त्र, छंद शास्त्र पिंगल का छंद शास्त्र या छंद सूत्र जो है उस छंद संबंधित प्राचीनतम वेदांग है, या कहिए छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ है। साथ ही जाने वैदिक छंद कितने हैं, 26 है। वैदिक छंदों में सबसे ज्यादा किन छंदों का प्रयोग हुआ है, त्रिष्टुप गायत्री जगती का। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ, सबसे ज्यादा त्रिष्टुप, फिर गायत्री, फिर जगती का। और अब आगे हम लोग देखते हैं अगला वेदांग व्याकरण, व्याकरण। तो आगे हम लोग देखने चल रहे हैं व्याकरण। व्याकरण को जानेंगे, व्याकरण शिक्षा छंद व्याकरण में व्याकरण को जानेंगे कि व्याकरण पदों की मीमांसा करने वाला शास्त्र है। और इसमें समास, संधि, नियम, नामों की रचना, सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की व्याख्या है। कुल मिलाकर इसमें व्याकरण की व्याख्या है। सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ इंद्र रचित आयंद्र व्याकरण था, किंतु यह उपलब्ध नहीं है, किंतु यह उपलब्ध नहीं है। और उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में, उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में पाणिनि रचित अष्टाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ, उपलब्ध वैदिक सॉरी उपलब्ध व्याकरण ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है यह सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन ध्यान रहे कि जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है ये वेदांग के अंतर्गत नहीं आता, ये वेदोत्तर संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ। आगे देखेंगे पाणिनि शिक्षा में जो है छंद को वेदों का पाद, पाणिनि शिक्षा में आप जानेंगे जो छंद है इसे वेदों का पाद मीन्स पैर कहा गया, छंद को वेदों का पाद कहा गया है। कल्प को वेदों का हाथ कहा गया, ज्योतिष को जो है इसे वेदों का आंख, ज्योतिष को वेदों का आंख कहा गया, निरुक्त को कान कहा गया, को वेदों का कान कहा गया। और साथ ही जो निरुक्त है कान, शिक्षा को नाक और छंद, व्याकरण, ज्योतिष और अब बच रहा व्याकरण,
व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया। पाणिनि शिक्षा में छंद को वेदों का पाद, कल्प को वेदों का हाथ, ज्योतिष को वेदों की आंख, नृत्य को वेदों का कान, शिक्षा को वेदों का नाक और व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया। वेदों का मुख कहा गया। और व्याकरण के बारे में इतना ही, और आगे आप जानेंगे शिक्षा छंद व्याकरण हो गया। निरुक्त नंबर चार, निरुक्त निरुक्त को जानेंगे। जो निरुक्ति है ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान है। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान है। और यास्कराचार्य रचित निरुक्त जो है ये निरुक्त का प्राचीनतम ग्रंथ है। और आगे देखेंगे कि निरुक्त में जैसा कि बताया शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र है, इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है। मतलब कोई शब्द कैसे बनता है, उसका वही अर्थ क्यों होता है, इन सब की व्याख्या निरुक्त में की गई है। और निरुक्त का सबसे प्राचीन ग्रंथ यास्कराचार्य रचित निरुक्त है। इतना हम लोग देखे शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त। और अब आगे देख लेते हैं कल्प। कल्प तो आगे हम लोग कल्प पे चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कल्प कर्म कांडीय विधि या इसी को कहिए अनुष्ठानिक विधि है। तो जो कल्प है ये कर्मकांडी विधि या अनुष्ठानिक विधि है। और वेदों में जो वैदिक कर्म उल्लिखित है उन्हें क्रमबद्ध पूर्वक व्यवस्थित करने वाला शास्त्र कल्प है। वेदों में विहित कर्मों को क्रमबद्ध पूर्वक व्यवस्थित करने वाला शास्त्र जो है वही कल्प के नाम से जाना जाता है। इसमें आर्यों के सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नियमों एवं कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। और इसके तीन उप भाग हैं, नंबर एक स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र जो है इनमें वैदिक यज्ञों या वैदिक अनुष्ठानों को साठ में दिया गया। वैदिक अनुष्ठानों या वैदिक यज्ञों को संक्षेप में दिया गया।
अब आप जब वैदिक साहित्य पढ़े होंगे तो ब्राह्मणों में यज्ञों का अति विस्तार से उल्लेख है, कर्मकांडों अनुष्ठानों का अति विस्तार से उल्लेख है, वही चीज इसमें संक्षेप में है। तो स्रोत सूत्रों को हम ब्राह्मण ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों का सार संक्षेप भी कर सकते। दूसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र स्रोत सूत्र के बाद हम देखेंगे धर्म सूत्र। इसमें चारों वर्णों और चारों आश्रमों के कर्तव्यों का, चारों वर्णों चारों आश्रमों के कर्तव्यों का, विशेष करके राजा के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसमें चारों वर्णों प्लस चारों आश्रमों के कर्तव्यों का, विशेष करके राजा के कर्तव्यों का इनमें उल्लेख है। और इस प्रकार इसमें व्यक्ति के सामाजिक धार्मिक राजनैतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्यक्ति का समाज के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, समाज का व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सबका उल्लेख धर्म सूत्रों में है। गृह सूत्र, गृह सूत्र, गृह सूत्र को देखेंगे कि जो गृह सूत्र है इसमें गृही या घर में किए जाने वाले छोटे छोटे कर्म कांडों अनुष्ठानों का उल्लेख। गृह कर्म कांडों मतलब घर में किए जाने वाले छोटे छोटे कर्म कांडों का उल्लेख है, अर्थात इसमें गृहस्थ के लौकिक एवं पारलौकिक, गृहस्थ के लौकिक एवं पार लौकिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक है सुल्ब सूत्र को देखेंगे। सुल्ब सूत्र वेदांग का अंग नहीं है, किंतु कर्म कांडों से विशेष रूप से जुड़ा होने के कारण, अब कल्प बता रहे कि सुधा करिए, ये कल्प के तीन भाग बताए। तो जो सुल्ब सूत्र जो है ये वेदांग या कल्प का अंग नहीं है, लेकिन कर्म कांडों से विशेष करके जुड़ा है। और जो कल्प है वो कर्मकांडी विधि है, इसलिए सुल्ब सूत्र का अध्ययन भी हम लोग कल्प के साथ कर लेते हैं। और अब आगे देखेंगे कि वेदों में सबसे बड़ा कर्मकांडी वेद हमने बताया है यजुर्वेद, और सुल्ब सूत्र कर्मकांडों से जुड़े हैं। इसलिए सुल्ब सूत्र जो है, सुल्ब सूत्र जो है वो ज्यादातर यजुर्वेद की शाखाओं में पाए जाते हैं। और सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण सुल्ब सूत्र, सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण सुल्ब सूत्र जो है, ये सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सुल्ब सूत्र जो है वो बौधायन रचित सुल्ब सूत्र है। बौधायन रचित
और इन शुभ सूत्रों में वैदिक यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि दी गई है। तिकोनी बनेगी, गोल बनेगी, चौकोर बनेगी, आयताकार होगी, वर्गाकार होगी, षटभुजाकार होगी, तो विविध प्रकार की यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि है। और इस तरह से रेखा गणित का प्राचीनतम साक्ष्य सुल्ब सूत्रों में प्राप्त होता है। और रेखा गणित की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय सुल्ब सूत्रों से ही माना जाता है इसी के साथ अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम वेदान ज्योतिष। तो ज्योतिष है तो इसका मतलब जो है इसके अंतर्गत वैदिक ज्योतिष का विधान किया गया। और सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ लगध मुनि रचित ज्योतिष शास्त्र है। सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ लगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र है। और जो ज्योतिष शास्त्र है ये स्वयं में खगोल विज्ञान है, और इस तरह से हम लोग वेदांगों पर चर्चा कर चुके और हमने बताया कि वैदिक साहित्य को समझने में ये सहायक है और वैदिक साहित्य को संक्षेप करने के लिए सूत साहित्य की रचना हुई जिसके अंतर्गत ये 6 वेदांग लिखे गए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात मुंडकोपनिषद में इनका उल्लेख है। और एक चीज ये ध्यान दिया शिक्षा ये जो है स्वर विज्ञान या शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। शिक्षा संबंधित प्राचीन ग्रंथ प्रतिशाख्य है। छंद जो है सबसे प्राचीन पिंगल का छंद सात या छंद सूत्र इस विषय में लिखा गया ग्रंथ है 26 है। और यह त्रिष्टु गाती जगती बाकी और भी है 23 लेकिन इन्हीं का ज्यादा उल्लेख है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा त्रिष्टु का उल्लेख और बाकी जानेंगे जो छंद है ये द्विपदी चतुष्पदी आदि होती है। तो आप छंद को चतुष्पदी द्विपदी वृत्त कह सकते हैं, चतुष्पदी द्विपदी वृत्त के रूप में भी इनको ले सकते हैं। व्याकरण में पाणि को याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी व्याकरण के तहत पाणि शिक्षा में छंद को क्या कहा गया, कर्म को क्या कहा गया, ज्योतिष को क्या कहा गया, आगे निरुक्त कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष इन सब को तैयार रखिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर में इतना ही और आगे हम लोग कल के लेक्चर में सूत्र साहित्य के ही अंतर्गत आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।